हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि 3 साल 4 साल और 5 साल के बच्चे के स्वेटर में कितने फंदे डाले जाएंगे। मेजरमेंट आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आपने फर्स्ट बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी उसे प्रेस करना न भूलिएगा, जिससे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अगर आपको किसी भी एज का मेजरमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर चाहें तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे मेजरमेंट मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये 3 ईयर्स 4 ईयर्स और 5 ईयर्स 3 साल तक के बच्चों के लिए, देखिए 3 साल 4 साल और 5 साल के बच्चों का मेजरमेंट आपको बताएंगे। ठीक, देखिए फ्रंट साइड में अगर 3 साल के बच्चे के स्वेटर बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 70 फंदे यानी 70 फंदे डालिए। अगर 4 ईयर्स के बना रहे हैं, बच्चा ज़्यादा हेल्दी नहीं है, दुबला पतला है, तो 70 फंदे नहीं, तो अगर थोड़ा सा हेल्दी हो तो आप 75 फंदे डाल सकते हैं। 5 ईयर का अगर बच्चा है तो आप यहाँ पर 80 फंदे डाल सकते हैं, 80 फंदे। तो देखिए 3 साल के बच्चे के स्वेटर में 70 फंदे, आप 70 फंदे 4 ईयर्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हेल्दी हो तो आप 5 फंदे उसमें 5 फंदे बढ़ा सकते हैं, और 5 ईयर्स का है तो आप 80 फंदे डालिए। ठीक ना, इसके बाद बैक साइड में भी आप सेम फंदे आप डाल सकते हैं, 70, 75 और 80। आप बैक साइड में पीठ, जो पीठ का पल्ला होता है पीछे वाला साइड का, तो उसमें आप जो है 70 फंदे जो हम आपने फ्रंट में डाला है वही आप बैक में भी डाल सकते हैं। इसके बाद जब आप बॉर्डर बना लेते हैं तो आप 10 फंदे बढ़ा सकते हैं। जब स्वेटर आप बॉर्डर बनाने के बाद 2-3 इंच का बना लेते हैं तो उसके बाद आप 10 फंदे 10 फंदे उसमें बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप देखिए बाजू का, अब यहाँ पर बाजू के लिए जो है, बाजू में आप जो है 3 साल के बच्चे के लिए भी आप 40 फंदे डालिए, 4 साल के बच्चे के लिए भी आप 40 फंदे डालिए, 5 साल के बच्चे के लिए भी आप 40 फंदे डालिए। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो आप 45 यानी 45 फंदे डाल सकते हैं। ठीक, देखिए इस तरह आप जो है 45 फंदे डाल सकते हैं। और जब आप बाजू बनाते हैं ना, तो इसके बाद जब आप बॉर्डर बना लेते हैं तो हाँ आप जैसे कि दो सलाई के बाद आप 10 फंदे बढ़ा लीजिए, फिर इसके बाद आप 6-6 सलाई के बाद 1-1 फंदे बढ़ाइए। जब आप बाजू के पूरे फंदे कंप्लीट हो जाएं तो वहाँ से आप मुड्ढे की घटाई कर दीजिए कंधे की। तो फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए अगर गोल गला, राउंड गला आप बनाते हैं, देखिए अगर राउंड गला आपका है तो 82 से लेके 86 फंदे, 82 से लेके 86 फंदे आप डाल सकते हैं। ऐसा होता है किसी किसी बच्चे का सर थोड़ा बड़ा होता है, किसी बच्चे का थोड़ा सर छोटा होता है, तो उसमें 1-2 फंदे या 3-4 फंदे आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप अगर वी गला, देखिए वी नेक बना रहे हैं, ये वाला बना रहे हैं आप गला, तो 3 और 4 साल के बच्चे में यहाँ पर 40, यहाँ पर भी 40 फंदे और यहाँ पर 30 फंदे, पीछे बैक साइड में 30 फंदे आप बना सकते हैं। शोल्डर पे जब आप गला घटाते हैं ना, ये जब यहाँ से ऐसे बाजू घटाते हैं ना, तो यहाँ पर आप जो है 22 या 24 फंदे यहाँ शोल्डर पे आप रख सकते हैं, जैसे 22 से लेके 24 तक, आप 22 से लेके 24 तक आप यहाँ पर देखिए जो शोल्डर है, कंधा होता है ना, कंधे पे आप जब स्वेटर का ये
शोल्डर वाला आप बनाते हैं ना, वहाँ पर 4 3 2 1 घटाते हैं, तो वहाँ पर जब आपका पूरा हो जाए तो यहाँ पर आप 22 से लेके 24 फंदे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरा मेजरमेंट आपको देखिए इस तरफ पूरा ये आएगा। तो आप इस तरीके से पूरा ये स्वेटर का माप आपको हमने बता दिया है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। फ्रंट साइड पे 3 साल के 70, 4 साल पे 75 और 5 साल पे 80 फंदे डाल सकते हैं। फिर बैक साइड में भी आप 70 फंदे डाल सकते हैं, 75 फंदे डाल सकते हैं और 80 फंदे डाल सकते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद आप 10-10 फंदे बढ़ा सकते हैं, और जब बाजू बनाएं तो आप 40-40 फंदे का बाजू बना सकते हैं 3 और 4 साल के। और ये अगर थोड़ा हेल्दी 5 साल के बच्चे में आप जो है 40 से 45 साल के बढ़ा सकते हैं। गोल गला बना रहे हैं उसमें अगर आपको फंदे उठाने हैं तो 82 से लेके 86 फंदे आप उठा सकते हैं। आप जो है बाजू यानी शोल्डर पर 22 से 24 फंदे रख सकते हैं, और ये जो है 3 साल से 4 साल के बच्चे में 40-40 फंदे और बैक साइड में 30 फंदे। लेकिन अगर आपका 5 साल का बच्चा है तो यहाँ पर 50-50 फंदे, 5 ईयर में आप यहाँ पर देखिए 5 ईयर में यहाँ पर आप 50 फंदे इधर 50 फंदे इधर और यहाँ पर 35 फंदे आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने आपको पूरा 3 साल 4 साल और 5 साल के बच्चे के लिए मेजरमेंट बताया है। अगर आपको सभी अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप इसे बनाइए। अगर थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन लगे तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे मैसेज द्वारा कंप्लीट आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देख आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी एज का आपको और भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो हम आपको और भी मेजरमेंट बताएंगे जिस एज का आपको चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।